ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं सरदार सरोवर डैम की। यहाँ हाहाकारी तस्वीरें हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के सामने बहती नर्मदा नदी। बारिश इतनी हुई कि सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई के करीब नर्मदा का पानी मंडराने लगा। 136 मीटर के स्तर को जब जल स्तर छू गया तो प्रशासन के सब्र का बांध भी टूट गया। कोई चारा नहीं होता देख सरदार सरोवर डैम के 30 में से 23 गेट को खोल दिया गया, जिसके बाद सैलाब में मानो करंट दौड़ने लगा। ऊंची ऊंची उठती लहरें अपने रौद्र रूप में आ गई। हम इस वक्त मौजूद है गरुडेश्वर वियर डैम के पास और ये नज़ारा जो है ये नर्मदा का रुद्र रूप दिखाता है। दरअसल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, वही पानी आता है सरदार सरोवर बांध में और सरदार सरोवर से जो 8,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है वो गरुडेश्वर वियर डैम से होता हुआ ये पानी भरूच के पास जाता है। तो यहाँ पे गरुडेश्वर वियर डैम के पास जो लेवल है पानी का वो काफ़ी बढ़ गया है। नर्मदा नदी पर बना ये बांध चार राज्यों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इस बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। हालांकि सरदार सरोवर इकलौता डैम नहीं जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 11 डैम हाई अलर्ट पर हैं। सभी डैम में जल स्तर 90% से ज़्यादा है। अगले 24 घंटे की बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से भरूच में नर्मदा नदी उफान पर है। भरूच में बाजार बंद है, सड़कों पर पानी का बसेरा है, गाड़ियों की जगह बोट दौड़ रही है। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने को कहा है। भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचा दिया गया है। 3 दिन से पानी है और यहाँ पे सब दुकानों में भी पानी आ गया हुआ है और दुकानों वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है और नीचे वाले जो विस्तार है वो मकानों के अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी और सूरत में आज भारी बारिश की संभावना है। वहीं अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, आणंद में 4 से 5 इंच बारिश होने से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। बारिश की वजह से रोड, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। जाहिर है कुदरत की इस आफत से गुजरात के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मूसलाधार बारिश में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी खुद अलर्ट रहने की जरूरत है।